नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में ब्रह्म कुमारी इस वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में पत्रकारों के लिए दिव्य मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यशाला में राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, संगीता दीदी, मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर सुशांत भाई, पत्रकार मनीष वाजपेयी आदि अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यशाला में राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने कहा, मीडिया हम सबका एक्सप्रेशन और एक्सपीरियंस है। खबरों का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। बाहर की चीजों को मैनेज करने से पहले अपनी आत्मा को मैनेज करें। कार्यशाला में मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर सुशांत भाई ने कहा कि हमारी भगवत गीता एक की टू मैनेजमेंट है, मतलब मन के अंतर्द्वार से निकलने की चाबी। बता दें कि कार्यक्रम में दूरदर्शन के कल्चरल कार्यक्रमों के सलाहकार संपादक मनीष वाजपेयी ने कहा कि इस सृष्टि में किसी की भी भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है, परमात्मा ने जिसको जैसे जिस रूप में बनाया है, हर कोई परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। ग्रेटर कैलाश 2 के राजयोग केंद्र की संचालिका संगीता दीदी ने भी अपने विचार रखे। साथ ही संचालन नई दिल्ली मीडिया विंग ऑफ राजयोग शैक्षिक एंड रिसर्च फाउंडेशन की मीडिया कोऑर्डिनेटर मेधा बहन ने किया। ब्रह्म कुमारी क्या है, इसके बारे में? ब्रह्मा कुमारी की डेफिनेशन, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पूरा नाम ये है ब्रह्मा की संतान, कुमार और कुमारियां, परम पिता परमात्मा सिर्फ हमारा पिता नहीं है, पर वो शिक्षा देने वाला गीता ज्ञान दाता है, इसलिए परमात्मा परम शिक्षक है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो इस विद्यालय में शिक्षा मिलती है वो सारे विश्व पर सर्व आत्माओं को लागू होती है, सर्व आत्माओं के लिए कल्याण के लिए है। और ये विद्यालय का मतलब है, विद्यालय में पढ़ने वाले को अंधश्रद्धा भी नहीं होती और डर भी नहीं है, क्योंकि पढ़ने का शौक है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ पर डाउट फियर से फ्री होकर करके एक परमपिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, विद्यार्थी बन करके रूहानी आध्यात्मिक विद्या को ग्रहण करे। तो ये सत्य ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा दिया जाता है, तो नाम इसका इसलिए ब्रह्मा कुमारी, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो विद्या देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान अपने ईश्वरीय के सेवा केंद्रों पर सिखाया जाता है, तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम है इसका। जैसे आजकल देखा जा रहा है लोग, मैं संगीता बहन और मैं पिछले 46 ईयर्स से एसोसिएटेड हूँ, और वैसे डेडिकेटेड लाइफ हमारी 27 ईयर्स। तो मेन हमारा जैसे पर्पस आपने समझा ही था, तो इस बिकॉज सारा जो पूरा खेल है माइंड के ऊपर अगर देखा जाए, तो अगर पूरी दुनिया में भी अगर चाहे चेयरमैन है लेकिन अगर दूसरा आ जाए तो हमको वही फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, सपोज़ हम उस कंपनी में हैं, क्योंकि उसका माइंड डिफरेंट है, उसका पोस्ट दोनों की एक है। तो हर जगह फाइनली माइंड रूल करता है, मनुष्य है लेकिन रोल्स अलग अलग होंगे, वही बहू होगी, वही डॉटर इन लॉ, लेकिन वो डॉटर इन लॉ अच्छी, वो बहुत, तो वो क्या है जो उसका मन है। तो अगर मतलब ये है कि मन को मैनेज करना आ जाए तो सब कुछ फाइनली, हम जिस तरह का हमारा मन होगा उस अनुसार हम उस तरह की न्यूज़ को भी हम प्रोपगेट करेंगे। अगर हमारा मन सपोज़ बहुत पॉपुलैरिटी के लिए भी है सपोज़, तो हमारा उसी तरह का हम न्यूज़ देखेंगे कि ये। और अगर हमारा मन को अभी बहुत अच्छे विचारों के लिए, अच्छा मतलब नेचर मेरा ऐसा संस्कार है, तो फिर हम न्यूज़ भी उस तरह का ज़्यादा प्रोपगेट करेंगे। तो इसलिए अगर मन को हम मैनेज कर सकते, और जैसे कि
मेरा नाम बीके सुशांत है, ब्रह्मा कुमार सुशांत। ब्रह्मा कुमारी संस्था में मैं राष्ट्रीय मीडिया संयोजक तथा नेशनल मीडिया नेशनल स्पोक्स पर्सन के रूप में मैं सेवारत हूँ। आज इवेंट था कि माइंड मैनेजमेंट इज द की टू मीडिया मैनेजमेंट। ये माइंड मैनेजमेंट से ही मीडिया मैनेजमेंट किया जा सकता है, और मीडिया मैनेजमेंट के हर प्रकार की ह्यूमन मैनेजमेंट किया जा सकता है। जो भी हम प्रबंधन करते हैं तो उसके लिए जो है मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। राजयोग मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिखाते हैं, जो कि भगवद गीता में भी लिखा गया है, जो गीता ज्ञान और जो राजयोग मेडिटेशन वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा सारे संसार में दिया जा रहा है। क्योंकि परमात्मा तो सारा संसार का है ना, तो सारे संसार को बेहतर बनाने के लिए और सारे संसार का प्रबंधन अच्छा बनाने के लिए परमात्मा ने जो गीता ज्ञान और मैनेजमेंट सिखाया, जो माइंड मैनेजमेंट सिखाया, वही गीता ज्ञान का, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कहते हैं, तो वो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी प्रांत का हो, सबको ये सीखना चाहिए ताकि ये सृष्टि का परिवर्तन हो, विश्व का परिवर्तन हो। हम किसी पर्टिकुलर देश के नहीं है, पूरे मानवता के लिए हम जो है समर्पित है, हमारा सेवा समर्पित है, यही है इसका उद्देश्य। युवाओं को यही मैसेज देना चाहते हैं कि युवा जो है अपनी शक्ति और अपनी ताकत को पहचाने। उनके अंदर जो अंतर्निहित शक्ति है वो आत्मा में विद्यमान है, जो कि जिसका कम्युनिकेशन मन बुद्धि और संस्कार के द्वारा होता है और अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा होता है। तो आत्मा को शक्तिशाली करें और आध्यात्मिक बने। आध्यात्मिक का मतलब नहीं कि कोई धार्मिक पद्धति या धार्मिक रिचुअल्स या कर्मकांड में लिप्त होना है, वो नहीं है। धार्मिकता का मतलब है कि धारणा यानी मूल्यों को जीवन में लाए, नैतिक मूल्यों को, आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में लाए, जिसको धारायति धर्म कहा गया है। तो उस यही हमारा उद्देश्य है कि जो युवा वर्ग है, जो भारत के युवा वर्ग है, मैं समझता हूँ 50% से ऊपर युवा वर्ग भारत में है, वही हमारा ताकत है, वही हमारा शक्ति है। रेडी। प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में जाना हमेशा ही सुखद अनुभव होता है, और जब बात मीडिया मैनेजमेंट की हो, माइंड मैनेजमेंट की हो, तो निश्चित तौर पे चूंकि उसमें हमारा प्रोफेशन भी जुड़ जाता है और मीडिया की जब बात करते हैं तो उसमें श्रोता भी हैं, वक्ता भी हैं, और हम सभी लोग मीडिया के पार्ट हैं। कोई ये ना समझे कि जो चैनल में काम करते हैं सिर्फ यही मीडिया के लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अगर हम किसी भी सूचना का संप्रेषण करते हैं तो मीडिया के पार्ट हम भी हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम और आप अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित रखें, सही खबरें पहुंचाएं, गलत खबरें ना पहुंचाएं, अफवाह से दूर रहें, जब भी कोई खबर देखें, किसी के बारे में कुछ सुने, और अगर हम उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं या हम अपने द्वारा किसी को बोलते हैं तो पहले उसको क्रॉस चेक कर लें। क्रॉस चेक भी ऐसा जिसको कहते हैं ना, कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी चीज़ सच नहीं होती या कानों की सुनी हुई चीज़ भी सच नहीं होती, इसलिए डबल क्रॉस चेक कर लें। जिस किसी संबंधित वो व्यक्ति से बात है तो उससे बात कर लें, कहीं कोई घटनाक्रम के बारे में बात है तो उसको दुरुस्त कर लें, देख लें क्या वहाँ पर ऐसा हुआ है। और इन सब सारी चीज़ों को करने के लिए निश्चित तौर पर आपका स्वयं पर अनुशासन होना ज़रूरी है और आत्मिक संस्कार होना ज़रूरी है, जिसकी शिक्षा प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है वो देता है। और निश्चित तौर पर हमें ये लास्ट में ये बात जरूर कहूँगा कि हमें थोड़ा सा मेडिटेशन का मतलब ये है खुद से खुद का बात करना और अपने आप को समझना। हम समझेंगे अपने आप को तो हम सारी चीज़ें अच्छी कर पाएंगे, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। धन्यवाद। ओके, मैं ब्रह्मा कुमारी मेधा बहन, जो कि साउथ दिल्ली ग्रेटर क्लास 2 में 3 सालों से अपनी सेवाएं दे रही हूँ। बाकी मैं ब्रह्मा कुमारी इससे बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। आज का ये कार्यक्रम विश्व कल्याण की भावना को सामने रखते हुए रखा गया है, विशेष मीडिया वालों को बुलाया गया है इस कार्यक्रम में, जो कि आज हम देखते हैं अपने चारों तरफ कि मीडिया वालों के लिए कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं रखता है, जो कि हमने टॉपिक भी रखा माइंड मैनेजमेंट बेसिस मीडिया मैनेजमेंट। तो कैसे अपने स्व को ठीक रखें, स्व को हेल्दी रखें, अपने इंटेलेक्ट को हेल्दी रखें, जो हम आगे का भी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाएं, क्योंकि मीडिया बेस है सभी चीज़ों में। हर जगह मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे जो भी है, और आज हर घर घर में मीडिया के लोग आ गए हैं। हर एक का अपना कोई ना कोई यूट्यूब चैनल या कोई भी, हर एक व्यक्ति समाज का मीडिया से जुड़ा हुआ है।
तो मीडिया एक माध्यम है संसार को राम राज्य लाने का, मीडिया एक माध्यम है फिर से बापू गांधी और विवेकानंद जी के सपनों को पूरा करने का। तो उसके लिए जो मीडिया माध्यम है उसे भी तंदुरुस्त होने की जरूरत है, उसे भी हेल्दी रखने की जरूरत है। इसी उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम रखा है।